एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभमिता ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये ब्लॉग उस दिन का है जिस दिन मम्मी पापा लोग कोलकाता से रिटर्न आए थे, और क्या क्या लेके आए थे वही मैं शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ कि कोलकाता से हमारे लिए वो लोग क्या क्या लेके आए। तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय गरम गरम, क्योंकि अभी 6:30 हो रहा है और वो लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं घर पर। और ये देखिए, ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मैंने पहले ही लाने के लिए बोला था। ये है कलकत्ता का रसगुल्ला, और इसको तो देख के मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, मैंने पहले ही खा लिया। और ये है, ये भी कोलकाता से लेके आए हैं मूंग दाल, ये ना यहाँ पे नहीं मिलता है, इसको सोना मूंग दाल बोलते हैं। और ये है लाल साग, ये मेरे हबी को बहुत पसंद है, उनकी फरमाइश पे लाया गया। और ये कुछ दाल बड़ी है, और इधर पे ये संदेश वाला मिठाई नहीं होता है कोलकाता का, वो ड्राई संदेश है ये। और यहाँ पे भी ये संदेश से ही बना हुआ एक और मिठाई है, बट मुझे ना इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो रसगुल्ले में इंटरेस्ट है। और पापा लोग वहाँ पर मॉल गए थे तो वहाँ पर ये सब ना उन लोगों को फ्री मिला था, तो वो लोग लेके आए हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत क्यूट से बर्तन हैं छोटे छोटे से, और यहाँ पे बारिश हो रही है अभी, और दोनों ना बारिश में इतना नहा के आए हैं, मतलब टाइगर तो खासकर, टाइसन उतना नहीं नहा के आया है, टाइगर को नहाना पसंद नहीं है लेकिन उसको बारिश में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसी बारिश होती है ना वो एकदम नाचता हुआ घूमता रहता है बारिश में। और मम्मी के साथ जो पागलपंती हुई थी तब मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, बट अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड दिखा रही हूँ कि वो मम्मी के पीछे इतना पागल हो गया था ना, मम्मी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, जहाँ जा रही थी वहीं जा रहा था, क्योंकि उसको डर था कि फिर से मम्मी लोग चले ना जाए। और अब है बारी टाइसन की, टाइगर की, क्योंकि टाइसन को प्यार करते करते ना टाइगर नीचे ऐसे लेटा ही हुआ था, तो मम्मी उसको प्यार कर रही थी। और यहाँ पे है, ये मम्मी अपने लिए साड़ी लेके आई हैं, मतलब दीदी ने सिलेक्ट करके दिया है सब कुछ, मतलब मेरी ननद ने। और ये है साड़ी मेरे लिए, पिंक फुशिया में ढाकाई जामदानी बोलते हैं ना वो है ये। और इधर पे कुछ ब्लाउजेज़ मंगवाए थे मैंने, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे को मेरे पहले के जो कॉटन के ब्लाउजेज़ थे वो थोड़े टाइट हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक साइज़ बड़ा मंगवाया था। और यहाँ पे कुछ नाइटीज़ है मेरे लिए जो बाद में मेरी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसीलिए इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी, इसको भी पैक करके ही रख दूंगी, क्योंकि जब डिलीवरी का टाइम आएगा उस टाइम पर इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये नाइटीज़ लेके आए हैं, और मम्मी भी अपने लिए कुछ ब्लाउजेज लेके आई हैं और नाइटीज़ वगैरह लेके आई हैं, बहुत कुछ ही इस बार लेके आए ये लोग। हम लोग यहाँ पे फ़ोन करके बोलते थे कि ये वो लेके आना। और दीदी और मेरा ना बहुत दिनों से शौक था ऐसा मोटा वाला शाखा पहनने का, तो ये जो मोटा शाखा है ये मेरे बेबी शावर के लिए है, क्योंकि बेबी शावर में सारी सुहागन की चीज़ें फिर से दी जाती है, तो ये ससुराल साइड से मेरे लिए शाखा पौला। तो ये वाला दीदी ने बोला कि ये बेबी शावर के लिए है, तो अभी भिजवा रही हूँ। मैंने भी एक दीदी और मेरा सेम टू सेम है। और ये जो है शाखा, ये मम्मी का है, क्योंकि मम्मी को मोटा शाखा बिल्कुल नहीं पसंद है, बट हम दोनों का बहुत ज़्यादा शौक था कि मोटा शाखा, तो हम दोनों ने सेम डिज़ाइन लिया है। और मम्मी के लिए ये मीडियम साइज़ का, और कोलकाता से ये आई है हिल्सा फिश, तो ये तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पॉम्पलेट, ये मेरे हबी की फेवरेट है, और ये प्रॉन्स हैं, ये भी मेरे हबी को पसंद है, वो ये हिल्सा फिश नहीं खाते जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई। तो हिल्सा फिश मुझे, मम्मी को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मेरे हबी को छोड़ के, क्योंकि इसमें एक ऐसी स्मेल होती है ना जो बहुत लोगों को पसंद होती है, बहुत लोगों को नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें इतना एग हुआ था ना, देखिए ये सारे पीसेस के बीच में सारे एग्स हैं, तो मम्मी ये पीसेस अलग रख रही थी और बाकी सारे पीसेस उन्होंने अलग रखे हुए थे। तो पॉम्पलेट का तो सबको तवा फ्राई बहुत पसंद है हमारे घर पर, इसकी ग्रेवी भी बनती है बट ग्रेवी उतनी टेस्टी होती नहीं है, तो इसका ना तवा फ्राई ही बनाया था आज हम लोगों ने। और आज पूरा बंगाली स्टाइल मेन्यू है हम लोगों का, तो बंगाली स्टाइल में है चिंगड़ी मलाई करी, और इधर पे है हिल्सा फिश का सुरशे बाटा, और उधर पे है मतलब साग से बना हुआ, छोटे छोटे प्रॉन्स भी थे ना, कुछ बड़े प्रॉन्स थे कुछ छोटे प्रॉन्स, और यहाँ पे हिल्सा फिश फ्राई, और वहाँ पे लाल साग फ्राई, और मिठाई, मतलब आज पूरा एकदम ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल की ये हमारी थाली है लंच में, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है दिखने में। और रात में ना ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर खिला हुआ था, इतना सुंदर, इतना बड़ा, मतलब इसको देख के ना एकदम मन कर रहा था कि बस देखते रहूँ, और ये खिला था बिल्कुल 12 बजे करेक्ट। आई होप आप सभी लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।